उज़बी मिनशा रज़ीमलरिम जी माहब है आखिरी एयाम है माहिरजब के और ये माँ माहगफ़ार है माहगफ़ार है कि इस महीने में हम गुनाहों की बदबू को खुशबू में बदल दें तभी रवायात में आया है कि तुम्हारे गुनाह तुम्हें बदबूदार बनाते हैं इसतगफ़ार करके अपने आप को मअर करो इसफ़ार करके अपने आप को मअर करो क्या करें क्या करें गिरिया करें गिरिया इंसान को मुसलह करता है असल है हमारा गरिया ये दुआ कुमेल ने कहा कि गिरिया करने वाला मुसलह शख्स है बुका। कि खुदा तेरी बारगाह में वो बंदा आया है जिसके पास असल गिरिया है माँ यम्ल को दुआ उसके पास कुछ नहीं सिवाय दुआ दौा के दुआ यानी क्या दुआए नहीं किया एजहार फ़कीरी इजहार फ़कीरी यानी खुदा मेरे पास फ़कीरी के अलावा कुछ नहीं मैं फ़कीर हूँ दुआई नहीं फ़कीरी ठीक बस जिस तरह जहाद अस्कर वाला इसल लेकर जाता है ज़ाहरी दुश्मन से लड़ता है ये इसल लोहे का होता है तलवार ढाल ठीक बंदूक कोई भी हो लोहे का इसल लेकर जाता है ज़ाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए ज़ाहरी इसलह चाहिए और मानवी दरूनी दुश्मन से लड़ने के लिए गिरिया चाहिए आंसू चाहिए आंसू चाहिए बस ये गिरिया इंसान को गलत आरजुओं खुदख्वाही से दूर रखता है दूर रखता है बुराइयों से निजात देता है बस ख़्ज आना ख़ाश आना शर्त है और उसके बाद गिरिया करें ये कभी ज़ाया नहीं जाएगा कहा कि एक तेरी तरफ़ से बारिश है जो तूने बरसानी है और उसके बाद फौरन मेरी बारिश बरसना शुरू हो जाएगी हमारी बारिश क्या है हमारी बारिश गिरिया है हमारी बारिश क्या है गिरिया है बस ये महीना हम गवाएं ना आखिरी आखिरी अय्याम है इसमें शिद्दत के साथ खुदा की बारगाह में गिरिया करें इजहार नदामत करें पेशेमानी करें ठीक बस ख़्श आना हो खाज गिरिया हो इमाम के लिए गिरिया करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है बहुत ज़्यादा फजीलत है यह गिरिया हमें अहलम के नज़दीक करता है।, है ये शर है असली अहम तरीन अहम तरीन शा ये गिरिया बायस बनेगा कि इन हज़रात के पास हम हाज़िर हो जाएं इन हजरात के पास हाज़िर हो जाएं इन हजरात की बातें सुने इन हजरात की बातों पर अमल करें ऐसा गिरिया इमाम हुसैन पर करें कि हम इन हजरात की बातें सुने भी और अमल करें भी खाली गिरिया ना हो किमल कोई ना हमारे खाते में ठीक बस कवि तरीन हालत गिरिया देता है इंसान को क्योंकि असलहा जो है इसलहे से इंसान कवि तरह हो जाता है दीदा दिलेर हो जाता है कुरान ने भी कहा है कि इंसान तेरी कवि तरीन हालत क्याम है खड़ा हो जाए तभी आप देखें कि कुरान का कुल ए नमा आकुम बिन इनसे कह दे कि मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं कि तुम क्याम करो अल्लाह के लिए ये असलहा इंसान को बहादुर बनाता है शजाव बनाता है खड़े होने की कुदरत देता है खड़े होने की कुदरत देता है अन तकोम खुदा के लिए क्याम करो क्या कहा नमाज पढ़ो या कायम करो अकीमुस सलात, नमाज कायम करो नमाज पढ़ने की नहीं है नमाज सतून है सतून खड़ा किया जाता नमाज दीन का सतून है ठीक नमाज कायम करो जब नमाज कायम हो जाए तो इंसान गुनाह से महफूज रहता है तभी का कुरान का इन तन्हा अनिल वो जो खड़े होके यानी क्याम के साथ नमाज नहीं पढ़ते वो गुनाह से भी नहीं बचते गुनाह से भी नहीं बचते ठीक बस तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर अल्लाह ने दीन को भेजा अंबिया को भेजा आयमा को भेजा किस ली लेकू लोग खड़े हो जाए लोग क्याम करने वाले बन जाए बस गिरिया फ़ायदा क्या देगा माहिर जब का गिरिया हमें क्या कराएगा क्याम करना सीख गए ये तीन महीने जो है मानवी बहार के वाकयान हमारी रूह की बहार हो जाएगी और सल्लाद अल बतह तबीन तहरीन सल्लाहमद महमद